मीरा भाईंदर महानगर पालिका की सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें सत्ता का नशा सर चढ़कर बोल रहा है और वही लोगों का रोजगार छीनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी घर गृहस्थी संभालने के साथ साथ समाज की सेवा भी करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। पिछले महीने भाजपा के जिलाध्यक्ष रवि व्यास द्वारा उत्तर भारतीय महिला सेल की जिला अध्यक्ष के तौर पर रेणु मल्ला पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। आइए हम जानते हैं अजय सिंह राजपूत जो भाजपा के कट्टर समर्थक और कार्यकर्ता है उनसे कि रेणु एस मल्ला के संदर्भ में वो क्या विचार रखते हैं। इसी के साथ साथ हम आपकी मुलाकात रेणु मल्ला से भी करवाएंगे, क्या वो विचार लेकर इस राजनीतिक मैदान में उतरी है और क्या वो अपेक्षाएं रखती है अपने पार्टी के नेताओं से। देखिए, सबसे पहले तो एक नेतृत्व अच्छा मिला है रवि व्यास जी के नाम से भारतीय जनता पार्टी को, और एक दमदार अध्यक्ष मिला है जो सबका साथ सबका विकास के नारा को लेके चल रहा है, और खास करके हमारे उत्तर भारतीय समाज को उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रतिसाद दिया है। सब एकजुट हैं और मिलजुल के काम कर रहे हैं। देखिए, जो पूर्व है वो पूर्व होता है, वो पूर्व ही होता है। जो प्रेजेंट में है उसके साथ चलना चाहिए और उसके साथ ही जनता चल रही है। आप देखे होंगे कि जितने भी मंत्रीगण या बड़े नेता हैं वो सब जिले पे आते हैं रवि व्यास जी के यहाँ, तो अध्यक्ष अगर उनको अध्यक्ष पद दिया गया है तो उनके साथ सब लोग हैं, तो जनता भी ये समझ रही है गिने चुने कुछ लोग हैं जो चाटुकार टाइप हैं वो उनके साथ हैं, तो उनको क्या कर सकते हैं। ठीक है सर, सब दूर हो चुका है, जितना भ्रम था सब दूर हो चुका है। मैंने कहा ना कि कुछ एक गिने चुने लोग हैं जो उनके साथ हैं, और मैंने बहुत पहले ये कहा था कि चुनाव आएगा ना तो जो हालत यूक्रेन की है ना वही हालत यहाँ के नगर सेवकों की ना हो जाए, तो उनको समय रहते चेत लेना चाहिए और रवि व्यास जी के साथ आ जाना चाहिए। मैं तो यही उनको सलाह दूंगा, आगे उनकी मर्जी। देखिए, मैं खुद हैरान हूँ कि इतने कम समय में रेणु मल्ला जी ने इतना बढ़िया प्रोग्रेस किया है और इतने महिलाओं को जोड़ा है इन्होंने। मैं तो खुद ही बहुत हैरान हूँ कि एक राजनीति से दूर रहते हुए भी और बहुत कम समय में, देखिए रेणु मल्ला जी से बहुत सारी महिलाओं को जलन भी हो रही है कि इतने कम समय में इन्होंने कैसे इतना पा लिया। तो जो मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है, तो रेणु जी ने बहुत ही अच्छा काम किया और इनके नेतृत्व में महिलाओं का बहुत सारा काम भी हो रहा है। आज भी कैंप लगा हुआ है तो महिलाएं काफ़ी जुड़ रही हैं और अच्छा हो रहा है रेणु जी के नेतृत्व में। मैं ये कहूँगा कि इसमें इनके पति जो शैलेंद्र मल्ला जी हैं उन्होंने इनका बहुत साथ दिया है और ऐसे ही देते रहेंगे तो बहुत जल्दी मीरा भाईंदर शहर में रेणु जी को आखिरी ऊंचाई तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि रेणु जी का कोई चुनाव लड़ना या इस तरह की कोई प्रतिक्रिया है, कभी इन्होंने दिया भी नहीं है। समाज सेवा से जुड़ी हैं, समाज सेवा से पहले भी जुड़ी थी और आज भी जुड़ी हैं, काम कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। ये तो शीर्ष नेतृत्व का है कि इनके काम को देखते हुए आगे देखा जाएगा क्या है, बट अभी तो ये समाज सेवा कर रही हैं और बढ़िया कर रही हैं। मैं तो पहले से गृहिणी थी और अपने सोशल सोसाइटी में, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेशन में, मतलब सोशल वर्क जितना होता है उसमें सब में एक्टिव रहती थी और सबके लिए कुछ ना कुछ हमेशा से चाहत थी कुछ करने की, और कुछ ऐसा था कि महिलाओं को थोड़ा सा ऊपर लाना था, मेरा यही विचार था। अभी मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, एक मंच मिला है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता कि मैं बहुत कुछ कर पाऊँगी अपनी महिलाओं के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए। तो अभी थोड़ा सा अंदर मुझे यह है कि मुझे बहुत कुछ करना है वो लोग के लिए। बहुत सारी सरकारी योजनाएँ आती हैं जो हम महिलाओं को पता ही नहीं होती हैं, तो मैं अपने ज़रिए उनको ये बताना चाहती हूँ कि सरकार ने उनके लिए कितनी सारी सुविधाएं, कितनी सारी योजनाएं लाई हुई हैं जो उनको पता नहीं है, उनकी जानकारी उनको देना चाहती हूँ और जिससे वो इसका लाभ उठा सके। और मुझे ऐसा लगता है कि जब एक गृहिणी इसका लाभ उठाएगी और उससे लाभान्वित होकर के थोड़ा अपने स्तर को ऊंचा उठाएगी तो समाज अपने आप ही ऊपर उठेगा, और जब समाज उठेगा तो देश उठेगा ऊपर। तो मेरा यही विचार है कि देश को आगे लाना है तो देश को आगे लाने के लिए पहले महिलाओं को आगे आना जरूरी है।
भारतीय जनता पार्टी राजनीति दल चुनने का सबसे पहले तो मोटिव है मोदी जी। मोदी जी ने महिलाओं के लिए इतना सब कुछ किया हुआ है, हर तरीके से महिलाओं को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके ऊपर तो फिलहाल सभी लेडीज़, सभी औरतें, चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे कोई भी जाति की हों, सभी विश्वास करती हैं। तो उनसे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई भी किसी के ऊपर विश्वास करता है, तो मैंने इसके लिए मोदी जी की पार्टी ज्वाइन की। अगर कोई पीड़ित और शोषित महिला मेरे कार्यालय में या मुझसे मेरे संपर्क में आती है, तो सबसे पहले मैं अपने जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष रवि व्यास जी, उनसे संपर्क करूंगी और उनके नेतृत्व में उनसे पूछ करके, उनसे सलाह ले करके मैं कार्यवाही उनके नेतृत्व में रह करके ही करूंगी। और जब तक उस महिला को न्याय नहीं मिलता, मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके रहूँगी। ये थी उत्तर भारतीय महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रेणु एस मुल्ला, जो दावा कर रही है कि उनके पास में जो भी शोषित और पीड़ित महिला आएगी, उन महिलाओं को वो अपने वरिष्ठों के मार्गदर्शन में न्याय दिलाने का काम करेगी। चाहे फिर उन्हें न्याय दिलाने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाना पड़े या पुलिस थाने में हो, हर जगह कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहेगी महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि रेणु एस मुल्ला अपनी इन दावों पर कितना खरा उतरती है। बहरहाल उत्तर भारतीय समाज में एक नए चेहरे के रूप में रेणु एस मुल्ला को देखा जा रहा है, जिसके चलते भाजपा की भी ताकत कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।